हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना। अब स्ट्रक्चर का मतलब आप ढांचा बोल सकते होगे, ठीक है ना, संरचना बोल सकते होगे। अब किसी भी चीज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी भी फील्ड में, वो ढांचा या फिर स्ट्रक्चर तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक वहाँ के जो व्यक्ति हैंगे, मेंबर हैंगे, वो एक होकर काम ना करें। नॉर्मल सी बात ले लेते हैं, अगर किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, शायद 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, अगर वो लोग आपस में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तब तक वो स्ट्रक्चर बिल्कुल कोई काम का नहीं रहेगा। जैसे बोल सकते हैं हम कोई मकान बना देंगे, ठीक है ना, बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करा जाता है, स्ट्रक्चर रेडी करा जाता है, मतलब ढांचा बनाया जाता है। किस चीज़ से? पहले नींव रखी जाती है, छत बनाई जाती, कॉलम खड़े करे जाते, दीवारें बनाई जाती, हर चीज़ करा जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अगर ये मजबूत ना होगा तो आपका मकान कितना भी आप डेकोरेट कर लो, कितना भी आप उसको सजा लो, कोई काम का रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आपके कॉलम बनाए जाते हैंगे, ठीक है ना, नींव रखी जाती है मकान की, छत भरी जाती, अगर यही सारी चीज़ें कमज़ोर होगी तो आप तो कितना भी उसमें डेंटिंग, पेंटिंग, कलर करवा लो, सारा सामान लगवा लो, कोई काम का नहीं रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जब तक व्यक्ति, कर्मचारी, वर्कर एक होकर काम नहीं करेंगे तब तक आपका स्ट्रक्चर कोई काम का नहीं रहेगा। एक संस्था में अनेक व्यक्ति विभिन्न पदों पर कार्यरत रहते, सभी के कार्य व पद अलग अलग रहते। बनी बात है कि एक कंपनी, वहाँ पर अलग अलग व्यक्ति काम करते और सबके काम भी अलग अलग रहते, पोजीशन भी अलग। इनके बीच मधुर एवं सुदृढ़ संबंध होना आवश्यक है। इनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप होना चाहिए। संगठन संरचना अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधार प्रदान करती है कि वे अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है वो अधिकारियों और कर्मचारियों को आधार प्रदान करती है, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसमें कब कौन को क्या काम करना है, किसका क्या काम है, ठीक है ना, इस तरीके सारे काम बांट दिए जाते हैं। तो इससे क्या रहता है, इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा रहता है। इस प्रकार संगठन संरचना संस्था के विभिन्न अंगों के संबंध में स्पष्ट करती है। अब आपको पॉइंट्स दिए, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना के तत्व दे रखे। पहला दे रखा है जॉब डिजाइन, कार्य की रूपरेखा। प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विभिन्न क्रियाओं की सूची तैयार करना। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग क्रियाएं संपन्न करते हैं, वे ये व्यक्ति अपने कार्य को किस प्रकार संपन्न करेंगे इस बात का निर्धारण इसमें किया जाता है। अब यहाँ पर दे रखा है कि प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, क्रियाओं की सूची तैयार करना, ठीक है। जितने भी हमारे यहाँ काम किए जाते हैं फैक्ट्री में, ठीक है ना, उन सारे कामों की अलग पूरी पूरी लिस्ट तैयार करना, हर छोटा बड़ा सारे कामों की एक लिस्ट बनाना। नॉर्मल सी बात है, झाड़ू फेरना, मशीन चपे बैठना, माल उठाना, पैकिंग करना, रखना, और भी जितने काम होते हैंगे, वो सारी चीज़ों के आपको अलग अलग लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका सारा काम, आपको ये पता रहेगा कि कौन सा व्यक्ति कब किस हिसाब से काम करवाना हैगा, ठीक है। आपको पता चला कि मेरी फैक्ट्री में 10 तरह का काम होता हैगा, ठीक है ना, तो आपको 10 तरह के व्यक्तियों की अलग अलग टीम चाहिए। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग क्रियाएं संपन्न कर देंगे, ठीक है ना। अब एक ही व्यक्ति को आप 10 काम दोगे क्या? नहीं दोगे, ठीक है। हर 10 काम के लिए आपको 10 व्यक्ति चाहिए मिनिमम। ये व्यक्ति अपने कार्य को किस प्रकार संपन्न करेंगे इस बात का निर्धारण इसमें किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि भाई ये 10 व्यक्ति हैं, कब कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें किसको करनी है कि मैनेजर को ही डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जिसे प्रबंधक बोला जाता है वही सबसे पहले तो लिस्ट बनाएगा सारे कामों की, उसके बाद में उन व्यक्तियों को सारे काम अलग अलग बांट कर किसको कौन सा काम कब कैसे कहाँ करना है ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल, विभागीकरण। इसके अंतर्गत एक जैसी क्रियाओं का समूहीकरण कर दिया जाता है, कार्य विशेष को अलग अलग विभागों के सुप्रत कर दिया जाता है। जिनके प्रमुख विभागाध्यक्ष होते हैं, विभागों की स्थापना कार्यों के आधार पर की जाती है। क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, अब यहाँ पर दिया डिपार्टमेंट बना देना, जहाँ पर एक जैसे काम होते हैं, ठीक है, वो डिपार्टमेंट को क्या करना, एक कर देना। जैसे काम हैंगे हमारे कंपनी है कि 10 काम हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि दो दो तीन तीन काम एक साथ हो रहे हैंगे। जैसे पैकिंग का काम हैगा, पैकिंग में नॉर्मल सी बात है, किसी कपड़े की पैकिंग करना तो उसको पॉलीथीन में रखना, टैग लगाना, स्टिकर चिपकाना, डब्बे में पैक करना, फिर बड़े कार्टून में पैक करना, काम अलग अलग है लेकिन सब किस में आ रहा है, पैकिंग में आ रहा है। तो इनका एक पूरा डिपार्टमेंट बना दो आप, ठीक है। तो इसी तरीके से
आप जो काम एक साथ में हो सकते हैं या एक ही प्रक्रिया में एक ही प्रोसेस में आते हैं उन सबको आप डिपार्टमेंट बना दो। डिपार्टमेंट के अंदर आप एक व्यक्ति को अधिकारी बना दो, ठीक है ना। एक डिपार्टमेंट बना दिया उसमें आप अधिकारी बना दो, ठीक है ना, एक ऑफिसर खड़ा कर दो जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिपार्टमेंट के उस ऑफिसर के अंडर कर दी जाए और सारे वर्कर जितने व्यक्ति उसको चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में उस डिपार्टमेंट में वो व्यक्ति उसको प्रोवाइड। अब उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी किसी की रहेगी, उस अधिकारी की। तो हम उस डिपार्टमेंट से बिल्कुल वहाँ से परी हो जाएंगे, मतलब ये हो सकते हैं कि उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर से हटकर उस अधिकारी की रहेगी। अब मुझे क्या करना है, पूरी फैक्ट्री नहीं देखना। मैंने अगर 10 डिपार्टमेंट बनाए हैं तो मुझे सिर्फ 10 व्यक्ति को संभालना है, ठीक है ना। तो 10 व्यक्ति क्या करेंगे, अपने अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं वो उनको संभालेंगे। मेरा काम खत्म हो गया कि मुझे 100 लोगों को संभालने से अच्छा मैं 10 लोगों को संभालता हूँ, बाकी वो लोग 10 लोग जो हैंगे वो आगे अपने अपने डिपार्टमेंट की पूरी पूरी टीम को संभालेंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एरिया, नियंत्रण क्षेत्र। नियंत्रण क्षेत्र से आज किस अधिकारी के अधीनस्थ कितने कर्मचारी कार्य करेंगे, अधीनस्थों की संख्या बहुत कम बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, इससे नियंत्रण विस्तार अथवा नियंत्रण सीमा भी कहते हैं। अब यहाँ पर दिया जाएगा कंट्रोल एरिया। अब किसी अधिकारी डिपार्टमेंट में कितने व्यक्ति काम करेंगे, ठीक है ना, कौन सा काम करेंगे, या फिर रख सकते हैं कि एक पैकिंग डिपार्टमेंट है वहाँ 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं 20 कर रहे हैं। तो यहाँ एक और चीज़ दे रखी है कि डिपार्टमेंट में ना कम व्यक्ति हो ना ज़्यादा व्यक्ति हो, ठीक है, एक लिमिटेड व्यक्ति होना चाहिए जितनी उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है उतनी ही, ना उस डिपार्टमेंट में जैसे 50 लोगों की ज़रूरत हो तो ना वहाँ पे 40 मेंबर होना चाहिए ना 60 होना चाहिए, ठीक है ना। 50 हैं तो 50 ही मेंबर वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में होना चाहिए ताकि उन पर कंट्रोल भी हो सके और हमारा जो काम हैगा वो भी व्यवस्थित चलता रहे। नेक्स्ट आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार सौंपना। अधिकारों के अंतरण से प्रबंधकों को कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अधिकार प्राप्त हो जाने से प्रबंधकों को कर्मचारियों को निर्देशित करके आदेशित करने समस्या को जानने आदि में सहायता मिलती है अधिकारियों को सौंपने। अब क्या रहता है अपने अधिकार किसी और को सुप्रत कर देना, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कोई अधिकारी हैगा, एक कंपनी का ओनर है, उसने 10 डिपार्टमेंट बना दिए हैंगे, ठीक है। अब 10 डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट में 100 लोग काम कर रहे हैं। अब एक अधिकारी के दिन भर वो 100 लोगों के चक्कर काटेगा, नहीं, तो वो 100 लोगों को संभालने के लिए वो मैनेजर रखेगा, सुपरवाइजर रखेगा, तो वो अपने अधिकार किसको बांट देगा, उन लोगों को। जैसे मैंने मेरे अधिकार 10 लोगों में बांट दिएंगे, ठीक है, उसी तरह वो व्यक्ति भी अपने नीचे जो मैनेजर और सुपरवाइजर काम करेंगे वो अभी क्या करेंगे, वो सारे अधिकार उनके अंडर सुप्रत करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या फिर ये बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के 4 पॉइंट थे वो खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हैगा वो कल के वीडियो में देंगे हम। थैंक यू।